हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस परिवार में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई हो बहुत अच्छे होंगे और आपने नोट्स और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा रेगुलर वीडियोज देने की कोशिश करूंगा और करता भी हूं, बट नहीं दे पाता हूं, तो हमेशा कोशिश करूंगा। तो आप अपने दोस्तों में भी दोस्त शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग जब वीडियोज को एडिट करोगे, अभी देखो मैं लगभग रात के 12 बज रहे हैं अभी आपके लिए वीडियोज एडिट बना रहा हूँ इसको, तो और आवाज़ अब भी नहीं बंद है बाहर, तो रात के कितने टाइम जग के वीडियो बनाना पड़ता है ये इस दास को ही पता है। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे दोस्त देखते हैं कि भैया जो एजुकेशन चैनल होते हैं उनको बहुत कम ही सपोर्ट मिल पाते हैं, जिससे वो आगे ना ही बढ़ पाते हैं और ना ही कुछ नया कर पाते हैं। तो आप लोग ही जब एजुकेशन दोस्त ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो भाई नाच देखने वाली थोड़ी ना करेंगे। तो चलिए इस वीडियोज को, हालांकि आपकी इच्छा, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बीए कम्युनिटी फार्मेसी डिप्लोमा सेकेंड ईयर का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। बड़ा इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा, इसको ये समझिएगा इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही एकदम श्योर है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके जीवन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप बाहर की आवाज़ों पर उतना फोकस नहीं करिएगा, हमारी आवाज़ों पर सबसे ज़्यादा करिएगा। चलिए, कम्युनिकेशन स्किल डिफिनेशन। कम्युनिकेशन स्किल भैया एक ऐसी प्रक्रिया होती है दो या दो से अधिक लोग अपने बातों को शेयर करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, थॉट आइडियाज इमोशंस और अपनी फीलिंग को आपस में भैया शेयर करते हैं। जैसे आप दो लोग हो, आपसे मित्र हो या कोई भी हो, तो आपसे उससे बात कर रहे हो, अपनी दुख की समस्या बता रहे हो, वो आपकी मतलब सुन रहा है बातों को, यानी आपस में अपनी बातों को शेयर करना, अपने इमोशन आइडियाज सजेशन किसी को देना, तो इन सभी को शेयर करना क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल होता है भैया। कम्युनिकेशन स्किल कितने टाइप के होते हैं इसको देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन भैया ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जिसमें वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। नॉन यानी नहीं फ्रेंड्स, इसके क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं। तो इससे जो है इसका जो साउंड होता है इसका हो सकता है कॉपीराइट भी मार दे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना होता है। चलिए, इसके क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं। जो है कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। इसके ओरल कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ओके, नॉन वर्बल के कम्युनिकेशन के बॉडी लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल, साइलेंस और टच लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, एलिमेंट्स और कम्युनिकेशन को देखते हैं, जिसे जो होते हैं इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं। सेंडर, जो सेंडर क्या होता है, जो भी अपनी बात को कहता है या जो बोल रहा है, यानी जो अपनी बात को कहता है या बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम एक सेंडर हैं। ओके फ्रेंड्स, मैसेज, सेंडर के द्वारा जो भी बात कही जाती है, जैसे हम ये बातों को कह रहे हैं तो हम पहली बात आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप पढ़ाई करो, आप कॉलेज जाओ, अपने सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट पूरा करो, तो ये हम क्या करें, मैसेज आपको दे रहे हैं। रिसीवर, जो मैसेज को प्राप्त करता है या जिसके लिए बात कही जाती है, हम आपके लिए बात ही कह रहे हैं, भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अब तो ये भी होगा खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, तो दोनों में कब किस में नवाब बनना चाहोगे ये देखिएगा। मीडियम क्या होता है, जिस माध्यम से अपनी बात कहे पहुँचाया जाता है या मैसेज को भेजा जाता है, जैसे हम आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक ये अपनी सूचनाओं को पहुँचाते हैं, तो ये हमारा एक मीडियम है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे मीडियम कहते हैं। फीडबैक यानी या रिप्लाई, जैसे अब इसका मतलब यह होता है, जैसे रिसीवर के द्वारा किसी बात का आंसर यानी दिया गया, जैसे हमने आपको बात को कहा और अपने हमारी बातों को सुना और इस पर भैया कमेंट करके हमको बताया, भैया बड़ा अच्छा वीडियो लगा आपकी,
बहुत अच्छा लगा। तो यानी आपका रिएक्शन किया हुआ, यानी आपने फीडबैक रिप्लाई में क्या दिया कि आप को हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं, समझ में आया हमारा क्वेश्चन, भैया समझ में नहीं आया दोबारा से बताइएगा। तो ये होता है फीडबैक देना, यानी वापस आपने रिप्लाई दिया। ओके फ्रेंड्स, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन वो होता है भैया जिसमें लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने थॉट को बताते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड लेक्चर, स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और मीटिंग, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यानी बातें होती हैं, इसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, वन टू वन यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको हम। ओके, नेक्स्ट हमारा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों भैया हम समझते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, या ओरल कम्युनिकेशन टाइप का होता है। जैसे भैया हम फेस टू फेस, यानी अभी हम आपके सामने खड़े हो जाएं, आपसे क्वेश्चन करें, भैया आप किस क्लास में हो, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, तो यानी फेस टू फेस आपने सामने खड़े होकर जो एक से दो पर्सन में बातचीतें होती हैं, बातचीत होती है, उसको हम कहते हैं वन टू वन यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो ये हमारा होता है वन टू वन कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक यानी टेलीफोन के द्वारा जो बातें की जाती हैं उसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ये सभी नाम से स्पष्ट है दोस्त, तो आप बड़ा इजी है ये सब्जेक्ट भी और ये टॉपिक भी। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो टेलीफोन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक डिवाइस की से किया जाए, ऐसे कम्युनिकेशन को हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन भैया जो इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा किया जाए, या टेलीफोन, मोबाइल फोन, इन सब के द्वारा किया जाए, उसे हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, यानी जो है टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन होता है, यानी ये जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन से इफेक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जैसे फेस टू फेस अभी हमने कहा, भैया आप किस क्लास में पढ़ते हो, हम भैया डिप्लोमा सेकेंड ईयर के छात्र हैं, और तुरंत मतलब इसका मैसेज जो है, आंसर हमें तुरंत मिल गया, और फेस टू फेस हम आपके निगाहों को भी देखते हैं, आपकी मुस्कान को भी पहचानते हैं, देखते हैं कि आप भैया का कैसे आपका रिएक्शन किया है, इसको भी समझ पाते हैं। तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ही ये संभव है। टेलीफोनिक में तो हम आप रो रहे हो या आपकी बातों से भी हम पहचान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन या एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसमें अपनी बातों को हम लिखकर दूसरे तक पहुँचाते हैं। जिससे पहले क्या होता था भैया कि जो बाहर लोग रहते थे उनको चिट्ठी लेकर भेजा जाता था, चिट्ठी लेकर दिल्ली में थे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, डाक के द्वारा कब पहुंचता था, और ये मतलब बहुत ही लिखकर भेजा जाता जाता था, जिससे बड़ा मुश्किल भी होता था, लेकिन ये इफ़ेक्टिव बहुत ही होता है, क्योंकि ये रखे हुए होते हैं हम अपने पर्चा, वैसे ये हमारे नोट्स हैं, इसको हम बहुत लॉन्ग टाइम तक, ये जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक ये यूट्यूब पर पड़ा ही रहेगा, तो ऐसे हम इन वीडियोज़ को भी देख पाएंगे कि ये तो एक नोट्स से ही प्रॉपर, ये हमारे नोट्स भी रहेंगे। तो ये होता है क्या, रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिख कर आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, चलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, और इस प्रकार का कम्युनिकेशन में हम वर्ड का यूज नहीं करते हैं, या मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्डलेस कम्युनिकेशन, यानी भैया इसमें वर्डलेस होता है। बॉडी लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल, साइलेंस, टाइम लैंग्वेज, टच लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए भैया बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, या भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सोर्स होता है, इन विच वेरियस फिजिकल बिहेवियर एंड आर यूज टू डिलीवर टू मैसेज। ओके फ्रेंड्स, फॉलोइंग बैरियर्स आर यूज इन द बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या यानी फॉलो करते हैं भैया जो बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी गेस्चर या बॉडी का पार्ट्स का मूवमेंट होता है। ओके, फेशियल एक्सप्रेशन, सॉरी फेशियल एक्सप्रेशन, बोलते समय फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, आप थोड़ा सैडनेस है या हैप्पीनेस है, आप खुश हैं या नाराज हैं, यानी आपके फेस पर कैसा जो है फेशियल एक्सप्रेशन आपका रहता है। ओके, आई कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट क्या होता है, यानी आई कॉन्टैक्ट का पावरफुल बिहेवियर ए बॉडी लैंग्वेज।
भैया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट कैसा है, यानी आपकी आंखें कैसे मिलाकर बातें कर रहे हैं या कैसे आप बातें कर रहे हैं, ये बड़ा क्या होता है, आई कांटेक्ट होता है, द मोमेंट ऑफ आई। ओके, पोस्चर, पर्सन किस तरीके से खड़ा है भैया, किस तरीके से बैठा है और किस तरीके से चल रहा है, ये क्या होता है हमारा पोस्चर। ओके, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज में कि आप ड्रेस कैसा पहनते हैं। अगर अच्छे नहीं पहनते हैं ड्रेस तो जो दूसरा पर्सन है वो आपके ड्रेस को ही देखेगा, तो ये भी थोड़ा क्या हो, ड्रेस कोड भी आपका सही होना चाहिए। इंटरेक्शन विथ प्रोफेशनल एंड पेशेंट, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पेशेंट की अच्छी से हेल्थ के बारे में बताएं और पेशेंट की हेल्थ केयर करें। ओके फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल एंड पेशेंट ये एक अलग टॉपिक है, तो ये पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चंस एंड आंसर आपके। मेडिकल फार्मासिस्ट कैन यूज फॉलोइंग पॉइंट्स से, जो भी अब फार्मासिस्ट पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे सुने और ये क्या होता है क्वेश्चन करे फार्मासिस्ट, यानी जो मेडिकल फार्मासिस्ट है उसको कैसे, वो जब पेशेंट आए तो उससे कैसे बातें करनी चाहिए। आप ये नहीं कि पहले अपना ही बताने लगो, उसकी बातों को ना सुनो, क्योंकि कुछ पेशेंट शर्मीले टाइप के होते हैं, तो उनसे बड़ा अच्छे से बात करो, उनको अच्छे से मैनेज करो कि हम आपके दोस्त ही हैं, दुश्मन नहीं है। कि भैया कुछ लड़के लोग होते हैं जो छोटे होते हैं वो इंजेक्शन को देखते ही डर जाते हैं, तो उनको भी बड़ा ऐसा डरावना टाइप का ना ही करें। उनसे आपके आई कांटेक्ट, उनसे बिहेवियर आपके कैसे हैं, उनसे कैसे बातें करते हैं आपका, यही नहीं छोटे भी बच्चे जो हैं, बड़े पेशेंट भी आए तो उनसे भी अच्छे से बातें करें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और ये हमारा प्रयास कैसा रहा आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्त, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और बहुत से कमेंट हम पढ़ते भी हैं, रिप्लाई भी करते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।